Assalamualaikum students, सुना chapter number 2 class 10 computer basic commands पढ़ रहे थे। तो जो आज के वाले commands हैं उसका आगे से पहले command पढ़ेंगे renum command की। renum command किसलिए use होती है? ये line number change करने के लिए use होती है। मतलब पहले हमारे पास कुछ और line number था, अब हम line number change करके उसको भी और line number देना चाह रहे हैं तो renum command भी use करते हैं। ये हम किसलिए use करते हैं? Next हमने एक code लिखा है, तो हम जो कोड लाइन वाइज एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि उसकी लाइन को चेंज कर दें, तो उसके लिए हमें उस लाइन को चेंज करके किसी और जगह पर ले जाएं या कोई और लाइन उस पे ऐड कर दें, तो हम उसके लिए रिनम कमांड यूज करते हैं। इसके लिखने का सिंटैक्स ऐसे होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं रिनम वर्ड, उसके बाद लिखते हैं हम न्यू लाइन नंबर, जो हमने न्यू लाइन नंबर देना हो और लाइन नंबर जिस लाइन नंबर पे इसके साथ उस लाइन को रिप्लेस करना हो, ठीक है, और साथ इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इजाफा। इजाफा का मतलब ये नेक्स्ट वाला हमने यहां पर ये हमारे पास कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 10 20 30 40 के मतलब ये लाइन नंबर है, ठीक है। अब हमने इंक्रीमेंट करना है लाइन नंबर 10 के बाद, तो हम क्या लिखेंगे? अब हमने वहां लाइन नंबर 15 ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 न्यू लाइन नंबर, किस जगह पे इंक्रीमेंट करना है 20 उस जगह पे, और अब बाद में बात आती है इंक्रीमेंट की, उसके बाद वाली लाइंस का क्या करेंगे। मतलब लास्ट वक्त हमने यहां एक न्यू लाइन नंबर ऐड कर दिया, हमारा 20 आ गया, तो उसके बाद वाली अब 20 और उसके बाद वाली लाइन नंबर को हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए हम इंक्रीमेंट का वर्ड पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये 10 के बाद 20 की जगह पे 15 को ऐड कर देगा, उसके बाद 20 में 20 के बाद मतलब 10 की जगह पे अब ये यहां 15 कर दिया है, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करेगा, 5-5 का इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो ऐसे लेगा 20 25 30 35 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है, सबसे पहले ये क्या करें, अब हम लिखेंगे रिनम कमांड रिनम वर्ड, फिर हम न्यू लाइन नंबर, अब हमने कॉमा दिया, उस पर स्पेस, स्पेस इस चीज को बताता है कि हमने किस जगह पे मतलब कि ओल्ड लाइन नंबर को इंडिकेट करता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट। अगर हम इन दोनों ये स्पेस खत्म करके इस पे एक कॉमा लगा के इस तरह लिख दें, तो क्या करेगा, वो 15 लाइन नंबर को 5 जगह पे रिप्लेस कर देगा, जो हालांकि 5 हमारा इंक्रीमेंट है, तो हमने इस तरह इसको नहीं लिखा। अब हमारी दूसरी कमांड है वो है रन कमांड। अब रन कमांड क्या करती है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक कमांड की लोड लोड क्या करती है, प्रोग्राम को लोड करती है रैम के अंदर। अब जो रन कमांड है वो क्या करती है, रन उस प्रोग्राम को रन करती है, जो हमने लाइन जो हमारा रैम के अंदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है उसको रन कर देती है, ठीक है। उसको लिखने का सिंपल कोड होता है, रन कीवर्ड लिखते हैं, साथ में फाइल नेम लिख देते हैं, वो उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसको रन कर देती है, ठीक है। अब हमने अगर इस फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लाइन नंबर को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी खास लाइन को चेक करना चाहते हैं कि वो खास लाइन वाली जो कोड लाइन कोड ऑफ लाइन है, हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या आया, वो सही अपनी लाइन लिखी हुई है, तो हम उसको लाइन नंबर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसका एक और नेक्स्ट ये है कि हम रन कीवर्ड लिखते हैं, फाइल नेम साथ आर लिखते हैं। अब आर हम क्यों लिखते हैं, आर लिखने से ये होता है कि जितने भी प्रोग्राम रैम के अंदर होते हैं जब वो रन हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड कीवर्ड आर है वो क्या करता है, वो उसको क्लोज नहीं होता, उसको रैम में सेव रखता है, ठीक है, ताकि अगर दोबारा हम उसको रन करना चाहें, दोबारा उसको क्यों काम करना चाहें, तो वो उस पर काम कर सकते हैं। अब इसके लिखने का अगर आप फाइल नेम लिख सकते हैं, फाइल नेम लिखते हैं तो फाइल नेम से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप फाइल नेम नहीं लिखना चाहते, आप रन कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, साथ कोलन सी सॉरी सेमीकोलन बैकस्लैश फोल्डर का नेम और वो जो फाइल जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो साथ में डॉट बैस उसके नाम पर बताया था, ये उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो इस तरह भी हम उस फाइल को रन कर देंगे। अब हमारे पास जो अगली कमांड है वो है सेव की कमांड। अब सेव की कमांड क्या करती है, सेव की कमांड किसी भी प्रोग्राम को किसी भी फाइल को हम अपने रैम हम अपने हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए वर्ड कीवर्ड F2 भी प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करने से क्या होता है कि सेव लिखा आ जाएगा साथ में बोलो ना देंगे, ठीक है। तो अगर आप से F2 प्रेस करेंगे तो ये लिखा ऑटोमेटिकली आएगा, अगर ना लिखा तो आप खुद लिखेंगे। इसको सेव करने से क्या करेंगे, आप उस फाइल नेम को आप फाइल का नेम लिखेंगे जिसको आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप उसको सेव कमांड को एंटर प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा कीवर्ड ओके। ओके का मैसेज इस पे होगा, उसे होगा कि अगर उसमें पता चलेगा कि जो फाइल है वो सेव हो गया, ठीक है। अब हम इसको स्टडी सकते हैं सी सेव, जिस जगह पे हमें सेव करना है उसका डेट पास भी दे सकते हैं। इस तरह इससे क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट जो भी इसका पास होगा वो उसमें इसको स्टोर कर देगा। इसमें अगर हम किसी भी खास फोल्डर में जाकर उसको सेव करना चाहते हैं तो इसमें सेव करते हैं सेव
सी डायरेक्टरी होम और राइट फोल्डर, जिस डायरेक्टरी में हम उसको सेव करना चाह रहे हैं फोल्डर, और साथ में फाइल का नेम रखना उसको, ठीक है। अब अगर हम सेव फाइल के साथ वर्ड कीवर्ड ए को यूज करते हैं, तो ए क्या करता है, ए उस फाइल को ASCII के फॉर्मेट में आपके आपके जो कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता है, ठीक है, अपने मतलब के अपने यूज के लिए, मतलब कंप्यूटर अपने लिए उस फाइल को ASCII में सेव कर देता है। ASCII आपने पढ़ा है, अपने 9th क्लास में पढ़ा ASCII याद है, ASCII इनकोडिंग का मेथड है, इसमें हम किसी भी डेटाबेस को कोड करते हैं, ठीक है। अगर हम सेव फाइल नेम और साथ अगर हम पी लिखते हैं, तो पी से क्या होगा, वो बाइनरी फॉर्म में उसको सेव कर देगा, 0-1 की फॉर्म में उसको अपने अपने सेव कर लेगा कंप्यूटर अपने, मतलब जो जैसे बक्सा डाटा भी 0-1 फॉर्म में सेव होता है, इस तरह सेव पी से वो बाइनरी फॉर्म में अपने अंदर कंप्यूटर अपने सेव कर लेगा। अब एलिस क्या काम करती है, हमने कल पढ़ा था लिस्ट कमांड क्या करती है, लिस्ट कमांड क्या करती है, वो प्रोग्राम को शो करती है जो उसकी रैम के अंदर स्टोर हुआ होता है या उसको लोड करके उसको शो करती है। अब एलिस क्या काम करती है, एलिस भी वही काम करती है, बस ये उस प्रोग्राम को या उस लाइन को या उस फाइल को प्रिंट कर देती है, ठीक है। अब हम इसका सिंपल लिखते हैं, साथ में उस लाइन नंबर को लिखते हैं, इस लाइन नंबर को हम प्रिंट करना चाहिए, ये मतलब प्रिंटर में डायरेक्ट प्रिंटर प्रिंट कर देंगे, अगर आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, अब एलिस की कमांड लेंगे तो जो लाइन नंबर लिखेंगे वो आपकी लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब एलिस लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 15 तक आप उसको प्रिंट कर देंगे, अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिखना चाहते आप ऐसे लिखते एलिस 5 लाइन से लेके बाय द एंड ऑफ द लाइन तक जितना भी आपका प्रोग्राम नंबर है सबको प्रिंट कर देगा, या फिर आप 15 से पहले इतने भी लाइन को अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो उसका लिख के आप उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम चालू करेंगे। थैंक यू।